हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने टॉपिक किया था कि सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर को फाइंड करने के वेरियस मेथड्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो सेंट्रॉयड और इन सेंटर हैं वो ऑलवेज लाइज इन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल्स होती हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा तीनों टाइप की ट्रायंगल्स में सेंट्रॉयड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल्स के अंदर ही आएंगे, कभी भी बाउंड्री पे या बाहर लाई नहीं करेंगे ये। पर जो सर्कम सेंटर है वो क्या होता है, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसके वो अंदर लाई करता है। तो ये देखो, ये मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसके सारे एंगल 90 से कम हैं। तो ये सर्कल है, सर्कम, तो इसका सेंटर क्या आ गया, ये हमारा सर्कम सेंटर है। तो ये ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। तो इस सर्कल के अंदर आप और भी कोई ट्रायंगल बनाओगे ऐसे ही जो एक्यूट एंगल हो, ठीक है, तो उसके भी सेंटर क्या आएगा, आपका अंदर ही आएगा, ठीक है। बट अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है तो हमें पता है सर्कम सेंटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 होता है ना। तो अगर ये 90 है तो ये सेमी सर्कल होना चाहिए, तो ये लाइन जो है आपकी वो डायमीटर होनी चाहिए। बट ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज और डायमीटर सेम चीज़ होगी। तो जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो आपका सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज का मिडल पॉइंट आएगा, और कहाँ पे लाई करेगा, ट्रायंगल की बाउंड्री पे, ठीक है। अब ये सर्कल है, इसके अंदर हमने ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाई है। ऑब्ट्यूज एंगल, इसका ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है। तो देखो ये जो ट्रायंगल है इसका सर्कम सर्कल तो यही वाला है, तो सेंटर ये है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है ट्रायंगल के बाहर। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर आएगा, राइट एंगल में मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज मींस बाउंड्री पे आएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में ये ट्रायंगल के बाहर, तो ये कहीं भी लाई कर सकता है। ऐसे ही जो ऑर्थो सेंटर है वो भी हमारा कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो अगर तो जो हमारी ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, लाइक दिस, ये ट्रायंगल है एक्यूट एंगल, तो इसके अंदर जब हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो लाइक दिस ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर बनेगा, ठीक है। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो जैसे ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो, ठीक है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ही है। इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ही आ जाएगी, और थर्ड वर्टेक्स से आप ड्रॉ करोगे यहाँ से तो वो आएगी ये लाइन। तो ये तीनों के तीनों आपके एल्टीट्यूड्स हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो ऑर्थो सेंटर आता है वो क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है वही आपका वर्टेक्स है, ठीक है। और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लो अब हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, तो इसमें आप इस वर्टेक्स से जो ड्रॉ करोगे, इस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा एल्टीट्यूड हमारा, ठीक है। और इस वर्टेक्स से पहले इस ट्रायंगल की साइड को हमें बढ़ाना पड़ेगा, लाइक दिस, यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो लाइक दिस ऐसे आएगा, ठीक है। मान लो अगर हम मान लें कि ये 90 है, ठीक है, और इस वर्टेक्स से इस ट्रायंगल पे जो वर्ट आएगा आपका वो भी इस पॉइंट में से पास करके जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जाके कहीं आपका बनेगा ऑर्थो सेंटर। तो अगर तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ये अंदर बनेगा, राइट एंगल में ये वर्टेक्स बनेगा 90 डिग्री वाला, और ऑब्ट्यूज एंगल वाली जो ट्रायंगल है उसमें जो बनेगा वो आपका बाहर जाके बनेगा, ठीक है। इसको भी आप देखना, तो इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे
तो ये आपका ऐसे बनेगा 90, ठीक है। इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर ड्रॉ करना था, तो इसको प्रोड्यूस करके ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो वो तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो बाहर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर को इनसाइड विद ईच अदर। कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लें तो उसमें ये सारे क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के ओ ए बी, तो उसमें आप चेक करो ओ ए साइड निकालो 2a के इक्वल आती है, ओ बी भी 2a के इक्वल आती है, ए बी भी 2a के इक्वल आती है, तो तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। अब हमें जब वर्टेक्स दिए होते हैं तो सेंट्रॉइड फाइंड करना आता है सभी को, तो सेंट्रॉइड तीनों को ऐड करके बाय 3 कर दिया, तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन सेंटर का भी फार्मूला आता है, ये एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो इन सेंटर भी मैंने फाइंड करके दिखा दिया कि सेम आता है। आप इसका सर्कम सेंटर भी फाइंड करो, वो हमने दूसरे वीडियो में मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं कैसे करना है, तो इसको चेक करके देखना कि इसका सर्कम सेंटर भी फाइंड करना और ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करना, अगर सेम आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना, ताकि पता चले किस बच्चे ने इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखा है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे आपके सेम आएंगे, पर हम मानते नहीं हैं, हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे खुद से। और लास्ट प्रॉपर्टी है इन एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल अदर देन इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल में तो वो सारे सेम ही जगह पे आ जाते थे, तो इक्विलेटरल को छोड़ के कोई भी और ट्रायंगल है उसमें जो आपका ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है और सर्कम सेंटर है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं हमेशा, उस लाइन को हम नाम देते हैं आयलर लाइन। और जो सेंट्रॉइड होता है वो डिवाइड करता है ओ एच, ओ आपका सर्कम सेंटर है, एच ऑर्थो सेंटर है, तो इसको डिवाइड करता है 1:2 में। तो पहले हम समझते हैं कि ये मान लो सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है उसके अंदर, ठीक है। ये हमने मीडियंस ड्रॉ किया, फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन और थर्ड मीडियन, ये इंटरसेक्ट करती है जी पे, तो ये सेंट्रॉइड आ गई। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कम सेंटर हो गया। फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, ये भी परपेंडिकुलर ही है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये परपेंडिकुलर आ गया, ये आ गया एच। तो ओ जी और एच एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं आयलर लाइन। तो ये जो जी है ओ और एच को डिवाइड करता है 1:2 में, ओ वाली साइड 1 है और एच वाली साइड 2 है। हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। हमने एग्जांपल ले लिया एक, जिसमें ट्रायंगल के वर्टिसेस ये वाले लिए हैं, ऑर्थो सेंटर इसका आएगा -1, -3, जिसका आपको शॉर्टकट सेंड किया हुआ है कि डायरेक्ट आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका ऑर्थो सेंटर क्या आएगा। सर्कम सेंटर पे भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है हमने कि शॉर्टकट में कैसे सर्कम सेंटर फाइंड करते हैं, तो ये इसका सर्कम सेंटर आ जाएगा। सेंट्रॉइड तो पता ही है, तीनों को ऐड करके बाय 3 करना है, तो ये आ गया सर्कम सेंटर। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सॉरी ये सेंट्रॉइड है, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 1/2, एच के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, -3, और हम जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे 1:2 से। अगर तो वो इसके इक्वल आ जाते हैं फिर तो इट मीन्स हमारी प्रॉपर्टी सही है कि जो जी है वो 1:2 में डिवाइड करता है। तो बाय सेक्शन फार्मूला जी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए जो कि 1, -2/3 आ गए। इट मीन्स जो सेंट्रॉइड है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। तो होप सो कि आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।